गुड आफ्टरनून नमस्कार दर्शकों, मैं कृति बढ़ेरा जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ और आप हमें देख रहे हैं पीएमई विद्या के चैनल नंबर 9 पर। ये जो सत्र है ये कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए रहेगा। सामाजिक विज्ञान जी सोशल साइंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। आपके किताब का एक चैप्टर है जिसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन पर बात की जाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। इसका एक सत्र पहले हो चुका है, आज एक फॉलो अप सेशन है इसका। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी से परिचय कराना चाहूंगी, डॉक्टर शरद कुमार पांडे जी का। आप डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज एनसीईआरटी में कार्यरत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नमस्कार बच्चों। और आज की इस चर्चा को शुरू करें दर्शकों, उससे पहले यहाँ आपको याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपके कोई प्रश्न हो, कुछ सवाल हो, सुझाव हो तो हमसे जरूर साझा करें। हमारा टोल फ्री नंबर डायल करके हमें बताएं, नंबर रहेगा 8800-4450-559। इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएं जिसका नाम है एनसीआरटी ऑफिशियल, और वहां भी लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सभी सुझाव सवाल हमें भेज सकते हैं। हम पूरा प्रयत्न करेंगे आपके भेजे गए सभी सुझाव लें और अपने एक्सपर्ट के साथ उनको चर्चा में लेकर आए। एक और जरिया है जिसके माध्यम से आप संपर्क साध सकते हैं, अपने सभी सवालों को सुझावों को हमें मेल करें dth.class9@cieet.nic.in पर। तो ये सभी जरिए हैं जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है आज के सत्र को शुरू करने का। पुनः स्वागत करूंगी आपका डॉक्टर शरद कुमार पांडे जी, क्योंकि इस चैप्टर पे एक चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं तो मुझे लगता है कि पहली सत्र की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। क्विक रिकैप रिव्यू हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पिछले सत्र में हमने क्या बात की। हाँ नमस्कार फिर से कृति जी आपको और प्यारे बच्चों आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बार हमने इसी सत्र में डिस्कस किया था कि सेकेंडरी लेवल में क्लास 9th के बच्चों के लिए हमने अपने पाठ्यक्रम में विश्व का इतिहास जिसको समकालीन भारत और समकालीन विश्व शीर्षक से हमने स्थान दिया था। हमने यह भी बात किया था कि इतिहास लेखन का जो इतिहास आज हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, उसका लेखन किस दृष्टिकोण से किया गया था। क्योंकि तो हमने बात की थी कि हमारा इतिहास जो है यूरोसेंट्रिक था और इसमें पश्चिमी देशों के हितों को पूरा करने के लिए और उनके औपनिवेशवाद के औचित्य को सिद्ध करने के लिए इसका लेखन किया गया था। हमने ये भी बात की थी कि किस तरीके से पूर्व के देशों को, अफ्रीकन देशों को और लैटिन अमेरिकन या साउथ अमेरिकन देश के लोगों को उन्होंने प्रगति विरोधी सिद्ध किया था यूरोपीय शक्तियों ने, और ये कहा था कि वहां पे वो शासन करने के लिए आए हैं तो उनका उद्धार करने के उद्देश्य से आए हैं और ये मानवता को उनकी बहुत बड़ा उपकार है, उनकी बहुत बड़ी देन है। इसके पीछे वो अपने साम्राज्यवादी, अपने उपनिवेशवादी उद्देश्य छिपाना चाहते थे। और इसी क्रम में हमने बताया था हमारा जो पाठ्यक्रम है 2 भागों में है, जिसमें प्रथम भागों में हमने कुछ प्रमुख क्रांतियों की, कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं की चर्चा की है, और द्वितीय भाग में हमने दैनिक जीवन से संबंधित बातों की चर्चा करने का इसमें निर्णय लिया है। तो उसी जी क्रम में हमारा पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति पे है। आप सभी को पता है तो फ्रांसीसी क्रांति का विश्व के इतिहास में बहुत महत्व है, और भारत भी जब अंग्रेजों के अधीन गुलामी की पीढ़ियों में जकड़ा हुआ था, तो यहाँ के शुरू के जो हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने भी अपने देश में अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली थी। ये एक संक्षिप्त रूपरेखा थी हमारी कि पिछले उसमें हमने क्या चर्चा की। जी, ये तो हो गई पिछले सत्र की चर्चा। और अगर आज के सत्र को हम शुरू करें, और तो मैं आपसे फिर इस तरीके से जानना चाहूंगी, क्योंकि हम क्रांति की बात कर रहे हैं जो एक समाज के लोगों के द्वारा लाई जाती है, तो मैं चाहूंगी आप आज की शुरुआत वहीं से करें कि फ्रांसीसी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो वो समाज क्रांति से पहले कैसे था, क्या रहा समाज में, थोड़ा सा चीजें हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कृति जी। फ्रांस में और जो फ्रांस की स्थिति थी वो कामोवेश सारे यूरोप में, खासकर पश्चिमी यूरोप में लगभग वही स्थिति
स्थिति थी। क्रांति के पहले का फ्रांसीसी समाज सामंतवाद, कुलीनवाद और विशेषाधिकार वर्ग के में विभाजित था, और दूसरी तरफ एक सामान्य वर्ग के लोग थे। एक सामंतवादी समाज था और जिसमें कि ज्यादातर वर्ग शोषित था, उसको कोई अधिकार नहीं थे। और अगर वर्गों के दृष्टि से हम बांटकर फ्रांसीसी समाज को समझने की कोशिश करें तो एक तीन वर्गों में विभाजित था, और इन वर्गों में वहां की शब्दावली में, फ्रांसीसी शब्दावली में स्टेट बोलते हैं, ESATE स्टेट को बोलते हैं। और ये तीन वर्ग में प्रथम वर्ग पादरियों का था, जिसको क्लेरगी बोलते थे, जिसमें चर्च के जो पादरी हैं और उसमें भी जो बड़े पादरी हैं उनका समाज में सबसे उच्च स्थान था। और उसके बाद दूसरा वर्ग कुलीन या नोबेलिटी का था, जिसमें जो बड़े बड़े शामन थे, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो थे। और तीसरा वर्ग जो था वो आम लोगों का वर्ग था, जिसको कि कॉमन लोगों का वर्ग कहते हैं। लेकिन ये तीसरा वर्ग भी तीन भागों में विभाजित था, जिसमें से सबसे ऊंचे वर्ग में जो बड़े व्यवसायी थे, वाणिज्यिक लोग थे, अदालत के कर्मचारी थे, वो थे। और द्वितीय हमारे वर्ग में जो तीसरा वर्ग था, जो दूसरा सेक्शन है इस तीसरे वर्ग का, उसमें किसान और कामगार लोग थे, शिल्पकार लोग थे। और सबसे नीचे जो सबसे दमित, सबसे शोषित वर्ग था, वो छोटे श्रमिकों का था, छोटे किसानों का था, भूमिहीन किसानों का। तो इन वर्गों में फ्रांसीसी समाज विभाजित था। इसके अलावा जो प्रमुख विशेषता थी कि जो टैक्सेस, जो कर होते थे, उस कर को केवल ये तीसरा वर्ग जो समाज में सबसे नीचे था उसी को ये टैक्सेस देने पड़ते थे। और प्रथम वर्ग जो पादरियों का वर्ग था, और द्वितीय वर्ग जो नोबेलिटी या कुलीनों का या जो एलीट क्लास है उनका वर्ग था, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो कुल मिला के जो टैक्सेस का सारा बोझ था वो समाज के तीसरे वर्ग या तीसरे स्टेट के लोगों के ऊपर था। इसके अलावा इन वर्गों को बहुत सारे विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। एक तो वो तीसरे वर्ग से टैक्सेस लेते थे, उसके अलावा उनको अपनी भूमि पे उनसे कृषि कराने, अपने यहाँ उनको बिना वेतन के नौकरी पे रखने, अपने घरेलू कामकाज के लिए उपयोग करने में, इन सबको रखने का अधिकार था। तो एक तरफ ये तृतीय वर्ग जो थर्ड स्टेट है वो सबसे ज्यादा वही टैक्स देता था, जबकि वो पॉपुलेशन का 90% था। जो फ्रांस की उस समय की जो जनसंख्या है, जो लगभग करीब 2,70,000 के करीब रही होगी, उसमें 90% लोगों का ये वर्ग था। लेकिन उस वर्ग के पास फ्रांस की समूची भूमि का 10% भी भूमि भाग नहीं था। इसके अलावा जो प्रथम वर्ग पादरियों का था, जिसको फर्स्ट स्टेट कहते थे, वो इस तृतीय वर्ग से एक धार्मिक कर लेता था, जिसको टाइड बोलते थे, टाइड। तो वो उनकी जो उपज होती थी उसका 10% होता था टैक्स, उसको जो चर्च के पादरी थे अपने लिए लेते थे। तो इससे उनके जीवन में एक वैभवशाली बजाय एक उसको कहते हैं कि ना बहुत नियंत्रित जीवन शैली के अलावा बहुत भोग विलासपूर्ण जीवन हो गया था उनका, शोषण करते थे वो। और द्वितीय वर्ग जो था कुलीन वर्ग, वो जमींदार वर्ग था, वो एक तरफ तो अपनी भूमि पे बड़ी बड़ी जागीरों पे इन किसानों, इन तृतीय स्टेट के लोगों से सेवा लेता था, उसके अलावा उनसे वो टैक्सेस भी लेता था, उस टैक्स को टाइल बोलते हैं, इस तरीके का टैक्स भी लेता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संपूर्ण यूरोप और खासकर फ्रांस की बात करें तो एक सामंतवादी समाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, और वहां पे एक राजतंत्र का, एक निरंकुश राज सम्राट का शासक था, लोकतंत्र नहीं था, समानता नहीं थी, इस तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था और शोषित वर्ग था। जी डॉक्टर पांडे, ये तो एक दृश्य हुआ कि समाज क्रांति से पहले कैसा था,
तो अब हम क्रांति पर ही आएंगे कि इस क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या तत्कालिक घटनाक्रम थे जो फ्रांसीसी क्रांति में गिने जा सकते हैं, चुने जा सकते हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे सभी दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, आपको पता ही है बच्चों कि ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, और इसका तत्कालिक कारण ये था कि उस समय जो फ्रांस के शासक थे लुई 16वें, 16th लुई, वहां परंपरा में लुई 1 to 16, 17 तक कई वो थे, तो जो उस समय शासक थे वो एक बुर्बो वंश के शासक थे, करीब 20 वर्ष के ही थे। उनको अचानक कुछ कारणों से टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ा। एक तो टैक्स पहले से ही बहुत ज्यादा था, और कारण क्या था तो हम देखेंगे कि अमेरिका में, अमेरिका उस समय जो वहां के देशज लोग थे उनके ऊपर इंग्लैंड या ब्रिटेन का शासन था, और वो अनेक छोटे छोटे उपनिवेशों में, कॉलोनीज में बटा हुआ था, जो आज हम जिसको अमेरिका के रूप में देखते हैं उस तरीके से एक यूनिफाइड अमेरिका नहीं था, छोटे छोटे उपनिवेशों में बटा हुआ था, और उसमें अधिकार था इंग्लैंड का, ब्रिटिश का शासन एक तरफ भारत था और उसके पहले वहां भी अमेरिका में भी था, लेकिन जो फ्रांस था इस प्रभुत्व की लड़ाई में इंग्लैंड का विरोध करते हुए उसने वहां के स्वदेशी, वहां के जो देशज आंदोलन है, क्रांतियों को समर्थन दिया, जो वहां के उपनिवेश थे, शोषित लोग थे, उनको अपने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, और जो सत्ता का संघर्ष फ्रांस और इंग्लैंड के बीच चल रहा था उसमें अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए, उन 13-14 उपनिवेशों में जो आंदोलन चल रहा था, जो था स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसको उन्होंने समर्थन दिया था। इससे करीब 10 अरब जो वहां की मुद्रा है उसमें लिवरे, वहां की मुद्रा को उस समय कहा जाता था, बाद में वो क्रांति के बाद बंद भी हो गई, उस मुद्रा 10 अरब मुद्रा का कर्ज उनके ऊपर चढ़ गया। और ये कर्ज किससे लेते थे, वो जो प्रथम हमने बताया, जो प्रथम स्टेट के लोग थे, जो संपन्न थे, वैभवशाली जीवन व्यतीत करते थे, शोषण करते थे, और द्वितीय वर्ग के लोग, इन लोगों से पैसा करीब लिया, उधार लिया, उसके लिए उनको टैक्सेस भी देना पड़ता था, उसके लिए ब्याज भी देना पड़ता था, तो इस कारण से अचानक उनको और ज्यादा कर बढ़ाना पड़ा। इससे वहां की जो आम जनता थे, जिसको थर्ड स्टेट के लोग, वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि जो उस समय वहां पे रोटी, जिसको ब्रेड हम कहते हैं, पाव रोटी जिसको कहते हैं, वो बाजारों में मिलती थी, उसके दाम आसमान छूने लगे, और उसी समय अचानक शीत की वजह से उनकी फसलें भी खराब हुई और अकाल पड़े। इस तरीके से जो एक लोअर तबका है समाज का, उसमें एक विद्रोह की भावना पहले से ही चली आ रही थी, और ये कई दशकों से ये शोषण चल रहा था, लेकिन जब एक बार दोबारा फिर से टैक्स बढ़ा दिया गया तो फिर ये इसका विस्फोट होता है 14 जुलाई 1789 को, और इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करते हैं इसी थर्ड स्टेट के जो कुछ लोग पढ़ लिख गए थे, थोड़ा उन्होंने धन भी संग्रह कर लिया था, जिसको बुद्धिजीवी वर्ग कहते हैं, और इस बुद्धिजीवी वर्ग ने अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था वहां के लोगों को भी प्रेरणा प्रदान की थी, उनको भी एक दिशा दी थी, जिसमें वोल्टेयर हैं, रूसो हैं, लॉक हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, ये सब जो विचारधारा, इन्होंने अपने विभिन्न सिद्धांत दिए, इन्होंने बताया, हम आगे डिस्कस करेंगे इन बौद्धिक लोगों की इस क्या भूमिका थी नेतृत्व करने की। तो इन सब कारणों से अचानक लोगों को रोष हुआ, और पेरिस जो राजधानी थी और वहां वर्साया उनका महल था, और इसके साथ ही चूंकि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था, तो उन्होंने करीब सदियों से एक किला, एक जगह बास्तील नाम का एक किला सा बनाया था, और उसमें जो लोग भी उनका राजनीतिक विरोध करते थे या राजतंत्र के विरोध करते थे, या जो ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है इन लोगों के का विरोध करते थे, उनको उस किले में कैदी के रूप में डाल दिया जाता था। तो
तो ये किला बास्तील का जो किला था वो निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। तो करीब 7-8 हजार महिला पुरुष अचानक जो है 14 जुलाई 1789 को इकट्ठे हुए, किसी के हाथ में छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र, और उन्होंने वो चूंकि प्रतीक था ब्रिटिश फ्रांस के निरंकुश सत्ता का, तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया, किले को तोड़ दिया। हालांकि उस समय वहां केवल 7-8 कैदी ही रह रहे थे, और इतना जबरदस्त रोष था कि उस किले के जो भी अवशेष थे उसको उन्होंने फ्रांस के बाजार में, पेरिस के बाजार में लाके लोगों को बेच दिया कि प्रतीक के रूप में कि देखो हमने इतना बड़ा कार्य किया, एक मेमेंटो जैसे हम संग्रह करते हैं उसको बाजार में बेचा। इतना जबरदस्त रोष था। तो ये तात्कालिक कारण था, और लेकिन इसके पीछे हम देखते हैं कोई भी विद्रोह होता है तो उसके एक कारण तत्कालिक जो उस समय हमने चर्चा किया था कि 1857 का जैसे विद्रोह हुआ था, तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूस थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था सिर्फ एक कारण से हो रहा था। इसके पीछे दशकों से बल्कि सदियों से जो किसानों का भारत में जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, जमींदार थे, और जो भी समाज के वर्ग थे सबका जो शोषण हो रहा था, लोगों के धार्मिक अधिकारों में कुठाराघात हो रहा था, लोगों की आजीविका छीनी जा रही थी, लोगों को जबरदस्ती अपनी भूमि पे दूसरे अंग्रेज ब्रिटेन की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, इन सब संचित कारणों का रूप 1857 की क्रांति के रूप में बाहर आया। उसी तरह फ्रांस में भी तात्कालिक कारण तो उस समय टैक्स को बढ़ाना था, दोबारा बढ़ाना था, लेकिन इसके पीछे एक जो जनता में रोष था, सदियों से जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग था जिसके पास सारे अधिकार थे, उत्तरदायित्व कुछ नहीं था, तो उसके विरुद्ध जो शोषण की ये जो प्रवृत्ति चल रही थी इसके कारण जो है उन्होंने तत्कालिक रूप से विद्रोह किया। जी, ये तो हो गई विद्रोह की बात, और आपकी बातों से जैसे सुनने को पता चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों ने भी जाना है कि फ्रांसीसी क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर पांडे प्रतीक चिन्हों का बहुत महत्व रहा है, प्रतीकों का, सिंबल्स का। तो क्योंकि इस क्रांति में जो लोग भागीदारी थे वो कहीं ना कहीं उस निम्न वर्ग से आ रहे थे, जो सेवाएं अपनी दे रहे थे, इतने शिक्षित नहीं थे, तो इन प्रतीक चिन्हों की जो भूमिका थी इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। इसके साथ ही हम लगभग अंतिम चरण में जा रहे हैं आज के सत्र की, यकीनन आपसे और डिटेल में चर्चा हम अगले सत्रों में करेंगे, पर थोड़ी सी भूमिका बांधी प्रतीक चिन्हों के बारे में। हाँ बिल्कुल, उस समय का जो फ्रांस का समाज था वो हम लोग सोचते हैं कि बहुत शिक्षित था, लेकिन ऐसा नहीं था, ज्यादातर लोग अशिक्षित थे। तो उस समय के जो बुद्धिजीवी वर्ग जो तृतीय स्टेट से ही उभर के आया था, लेकिन अपनी शिक्षा के कारण और थोड़ा धन एकत्रित करने के कारण उसने नेतृत्व प्रदान किया था, तो उन्होंने कुछ प्रतीकों को गढ़ा, क्योंकि जो रिटेन, हालांकि उस समय लोग पंपलेट का अखबार भी निकलते थे उसका प्रयोग करते थे, लेकिन उन सब को सभी लोग नहीं पढ़ सकते थे, जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो अशिक्षित थी, तो उन्होंने कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया। जैसे एक चित्रों में बनाया गया टूटी हुई जंजीर, उस समय जो दास प्रथा थी उसके विरुद्ध, जो लोग गुलाम थे उसके प्रति एक जंजीर थी जिससे लोगों को बांधा जाता था, उस तरह की टूटी हुई जंजीर। इसी तरह लकड़ी के, जैसे आपने कथा सुनी होगी कि लकड़ी का एक लकड़ी का टुकड़ा है तो वो जल्दी टूट सकता है, और कई लकड़ियों का एक गट्ठर है तो उसमें एकता होती है, उससे जो है फिर वो उसमें ज्यादा शक्ति होती है, तो इस तरीके का चिन्हों का प्रयोग हुआ। उसी तरह न्याय के लिए एक राजदंड का, न्यायपालिका के लिए न्याय की देवी के रूप में उसका जो है प्रयोग हुआ। उसी तरह समानता को दर्शाने के लिए एक सांप की, एक सर्पिलाकार, एक गोलाकार जैसे रिंग होता है, उस तरह एक सांप का चित्र बनाया गया था, और जिसमें सांप अपनी पूंछ को अपने मुंह में लिए हुए था, तो जिस तरीके से एक रिंग होती है उसका कोई छोर नहीं होता, सब बराबर होता है, तो इक्वलिटी दिखाने के लिए, समानता दिखाने के लिए कि हम समाज में सभी लोग बराबर हैं, जिसमें लॉक जैसे लोगों ने, रूसो जैसे लोगों ने कहा कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, वो स्वतंत्र रूप से जन्म
लेता है, मतलब सब लोग समान होते हैं, तो जन्म के बाद हम क्यों भेदभाव करें, क्यों किसी को विशेष अधिकार दें, किसी को कम विशेष अधिकार दें। तो इस तरीके के प्रतीक चिन्हों के द्वारा, इसी तरह एक टोप, एक कैप जिसको आपने देखा होगा सांता क्लास की एक लाल रंग की कैप होती थी, या आपने देखा होगा सर्कस में जोकर एक लाल रंग की टोपी पहनता था, उस तरीके की टोपी, टोपी एक प्रतीक थी कि हम विद्रोही लोगों के साथ हैं, हम विद्रोही हैं, हम इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विरोध में हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इसको फ्राइजियन टोपी कहते हैं, लाल रंग की, जो दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद जो लगाई जाती थी। तो ये था प्रतीक चिन्हों का महत्व, और इन्होंने जो लिखित सामग्री थी उसका जैसा कार्य किया लोगों को जागरूक करने में, संगठित करने में, एकत्रित करने में। जी डॉक्टर पांडे, बहुत खूबसूरती से आपने समझा दिया कि ये जो भी सिंबल्स यूज किए जा रहे थे, जिस तरीके की इलस्ट्रेशंस हिस्ट्री में देखने को मिल रहे थे, मुझे लगता है जो बच्चे आगे भविष्य में आकर 12वीं के बाद आर्ट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत रिलेवेंस है हिस्ट्री के इस संदर्भ को समझने की, कि रेवोल्यूशंस जब वर्ल्ड वाइड देखे जा रहे थे तब भी ऐसे इलस्ट्रेशंस का बहुत यूज हो रहा था, और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कुमार पांडे ने बहुत अच्छे से उनको इंटरप्रेट करके भी दर्शकों आपको समझाया और बताया। और यकीनन हम अगले सत्रों में आपसे और विस्तृत चर्चा करेंगे इस पाठ के बारे में, पर आज आपने इतनी खूबसूरती से इस सेशन को कंडक्ट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। और आप दर्शकों कहीं ना जाएं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ही अगला टॉपिक हम मैथ्स का लेकर आ रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद, कहीं ना जाएं, बने रहें पीएम ई विद्या के साथ। अभी के लिए आपसे विदा चाहूंगी, नमस्कार।